ये ट्रैक पूरा जाता है ऊपर तक ये ट्रैक हां जी ना ऐ तो ना थाने सिर्फ ना देता जे आस लगे आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अड़ंग केल कितनी प्यारी जगह है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि शारदा की, आज हम अड़ंग केल जा रहे हैं। रास्ते में आपको अड़ंग केल दिखाते हैं कि अड़ंग केल कितना खूबसूरत है। केल पहुंच चुके हैं जी अभी इस टाइम। इधर गाड़ी वगैरह पार्क की है, जान से अभी हम अड़ंग केल की तरफ जा रहे हैं। बस यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट वगैरह लेने के लिए लड़के गए हुए हैं, रिफ्रेशमेंट वगैरह लेते हैं, तो यहाँ से हम फिर निकलते हैं अड़ंग केल की तरफ। अभी अड़ंग केल जा रहे हैं जी, रास्ते में सारे ये केल से लीव कर रहे हैं। चेक करें, यहाँ से सीन स्टार्ट हो गए अड़ंग केल के। यहाँ से हम निकलेंगे, बाजार आ गए, लिफ्ट है, लिफ्ट के जरिए यहाँ से पार जाएंगे और वहाँ से आगे हाइकिंग है, थोड़ी सी पैदल रास्ता। ये लिफ्ट पे देखें जी कितनी रश लगी हुई है, ये लोग सारे मेरे ख्याल से उधर ही जाएंगे और ये ऊपर लिफ्ट है और लिफ्ट से जाएंगे। हम भी चलते हैं इनके साथ ही, चलते हैं क्या सीन है। ये जी अड़ंग केल की लिफ्ट आ रही है वो सामने से, चेक करें, इस लिफ्ट पे हम जाएंगे पार। बहुत अच्छी यही ड्रामे करते हैं। यहाँ भी लाइन में हम लगे हुए हैं, बस ये लाइन आप देखें, यहाँ से डोली पे बैठेंगे हम। डोली पे बैठने के लिए लाइन में लगना ज़रूरी है इधर, तो यहाँ से भी चलते हैं पार अड़ंग केल। अड़ंग केल के नज़ारे आपको दिखाते हैं सामने जाकर। तो जी हम अड़ंग केल लिफ्ट में बैठ चुके हैं इस टाइम और सामने नज़ारे देखें, लिफ्ट से होके जाते हुए इतने तेज़ इसकी स्पीड है, और जब बंदा नज़ारे देखता है ना सामने तो दिल खुश हो जाता है, डर भी लगता है लेकिन दिल खुश हो जाता है। लेकिन हमारे साथ एक ट्रेजिडी हुई थी इधर, एक बाइक की टोपी गिर गई थी, ये आप वो सीन भी देख सकते हैं अभी। ये टोपी नीचे गिरी थी, शुक्र है मोबाइल बच गया। कोई तरह कैमरा डायरेक्ट लगा दें, वो उधर को देखता रहेगा बस। कैमरा हम लगाएंगे, वो जो मालिक है वो नहीं लगाता, हम किधर से लगाएंगे? ठीक ही नहीं। आपको सैलरी देते हैं मंथली? अच्छा, ये जिसका ओनर है किधर का, इधर का ही है? इसके तीन, एक मुजफ्फरबाद के, एक गलिया के, केल तीन ओनर है। थोड़ा सा इसके नीचे वाली जो रोहनी है उससे आया फिर सीधा कर। चलें, थैंक यू जी। अभी लिफ्ट से हम इस साइड पे पहुंच चुके हैं, यहाँ से बाइकिंग स्टार्ट होगी हमारी तकरीबन दो कुल, तो कहते हैं आधा घंटा लगेगा, देखते हैं हमारे कितना टाइम लगता है। ये ट्रैक यहाँ से बना हुआ है, क्या पता एंड तक जाता है या नहीं जाता, लेकिन ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर बिल्कुल दिखाते हैं आपको नज़ारे अड़ंग केल के, जहाँ से हाइकिंग स्टार्ट हो रही है जी। और ये पूरी टीम के साथ हम जा रहे हैं अड़ंग केल, तो देखते हैं कि कैसी हाइकिंग है।
सीढ़ियां पड़ी थी लेकिन ट्रैक ही बना हुआ है अंकल जी, ट्रैक पूरा जाता है ऊपर तक ये ट्रैक? हां जी ना, ऐ तो ना थाने सिर्फ ना देता जे आसरा दे आगो जहाँ पे तकरीबन जहाँ तक हमने आधी हाइकिंग कर ली थी और सांस इतनी फूली हुई थी कि बात करने की आदत नहीं हो रही थी उस टाइम पे, तो यहाँ पे थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट की और फिर यहाँ से आगे चले। बस लास्ट पॉइंट पे पहुँच गए तकरीबन, इजाज़ और अली आ गए, बाकी हुआ तो दो भाई वो भी आगे पहुंच चुके हैं, बस ये थोड़ा सा रह गया है, ज़्यादा नहीं है। चेक करें यहाँ से नज़ारे, क्या आउट क्लास व्यू है। अली भाई कैसा लगा इधर आके? वो सामने चेक करें, चिट्टा खट्टा लेक उधर ही है। ये बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ये ग्लेशियर्स और ये जो पीक है ना, ये इंसान को वो देखने जरूर जाना चाहिए। वो उधर जाना कोशिश करेंगे, बस मुझे लगता है कि हम वहाँ जा सकेंगे। देखें जी सीन्स अड़ंगेल के, ये हम ऊपर टॉप पॉइंट पे बिल्कुल पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो सीन है, नज़ारा है पूरा नीलम तकरीबन, यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें फैमिलीज के साथ आते थे लोग, आए हुए आधे घंटे की पैदल हाइकिंग है। और ये हमारे जनेल सबको सांस फूला हुआ है, बोलने में दिक्कत है, बोलने में भी दुश्वारी हो रही है। ये रोड भी आ रही है कहीं से, पता नहीं किधर से आ रही है। उसके बाद पानी किधर मिलेगा? देखे ना फाइनली सीन। देखा जुन्नास अड़ंगेल पीरा लगे नहीं साइड ना, नज़ारे चेक करा दस अड़ंगेल ने चौंचो फिर ये ने, क्या ही खूबसूरत तरीन नज़ारे थे। और पीछे जड़ी जड़े ग्लेशियर थे, उन्हें पिछले पता है गिलगित बल्तिस्तान स्टार्ट होना ना, तो इतना कन्नै चट्टा खट्टा लेक भी थी उपर जड़ी पहाड़ियाँ थी, पहाड़ियों पर आर्मी वाले ने चेक पोस्ट वगैरह लगी दी। तो बाकी सीन है कि इतने काफ़ी टूरिस्ट वगैरह बहुत आए ने और सारा टाप उपर पहाड़िया ने, टाप उपर एक पूरा ही सकने के ग्राउंड बनता, तो इतने बहुत लोग आने फिर इतने लोग अपने घरें बिच होटल खोले ने, इतने लोगों की रिहायश थी ने और ये होने ना जरिया माश है, निके निके स्टाल लाए ने नहीं आगे चुल्हे लंघी अस भी देखा हूँ क्या सीन था अगे। ये जो आपको सामने पहाड़ी नज़र आ रही है, यहाँ पे हमारी आर्मी है और सुना है कि इसके उस साइड पे दरिया है और दरिया के सामने पार मकबूजा कश्मीर। तो आपने देखी अड़ंगेल की खूबसूरती, कितना प्यारा आज़ाद कश्मीर का गांव है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अभी हम रात को जा रहे हैं, 8 मुकाम स्टे करेंगे और दूसरे दिन आगे बाबून हमने निकलना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।